Today, I am announcing three principal measures. One, a temporary two-year cap on new international student permits. It is the latest in a series of measures to improve program integrity and set international students up for the success in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well. To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024, we are setting a national application intake cap for a period of 2 years. For 2024, the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits, a decrease of 35% from 2023. In the spirit of fairness, we are also allocating the cap space by province based on population, such as that some provinces will see much more significant reductions. So guys, अभी 22 जनवरी को कनाडा के इमिग्रेशन के तरफ से कुछ मेजर्स अपडेट आया स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स के लिए. सो क्या क्या चेंजेस है जो हम बातचीत करने वाला स्टेप बाय स्टेप. सो गाइस करते हैं वीडियो स्टार्ट. तो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टडी परमिट के रिगार्डिंग जो अपडेट्स हमें मिले इमिग्रेशन ऑफिसर के तरफ से. सो उसमें स्पेसिफिक क्या है कि पिछले 2 साल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी हाई है, लाइक पिछले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्टूडेंट्स आ चुके हैं कनाडा में. सो उसको थोड़ा बहुत हैंडलिंग करने के लिए कनाडा की इमिग्रेशन ने 2 साल के लिए कैप रखा है स्टडी परमिट के ऊपर. सो उसमें क्या सीन है कि स्टूडेंट जो अभी करंट है उसको अकोमोडेशंस के रिगार्डिंग, जॉब्स के रिगार्डिंग काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं. सो उसको मद्देनजर रखते हुए कनाडा ने इमिग्रेशन ने यह फैसला लिया है. सो उसके अंदर क्या डिटेल है कि 2024 के दिसंबर अंत तक 360,000 स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट मिलने वाली है, जो 35% कम है पिछले साल तक. लाइक उसमें क्या चांसेस है कि आपको 50-50 चांसेस आपके होने वाले हैं स्टडी परमिट लाइक स्टूडेंट वीजा अप्रूवल के रिगार्डिंग. सो यही सीन है. और उसमें क्या सीन है कि आपको अगर आपका पढ़ाई प्लान कर रहे हैं आप कनाडा में आने के लिए, जो 4 साल का पढ़ा है बैचलर के लिए, सो उसके रिगार्डिंग आपको 2 ही साल के लिए स्टडी परमिट आपका इश्यूज होगा कनाडा की इमिग्रेशन के तरफ से. और नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए आपको स्टडी परमिट अपनी एक्सटेंड करनी पड़ेगी. सो यही सीन है स्टडी परमिट के रिगार्डिंग. सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है. सो गाइस दूसरा जो अपडेट्स है जो वर्क परमिट के रिगार्डिंग जो हमें अपडेट्स मिले हैं इमिग्रेशन के तरफ से, सो उसमें यही सीन है कि सितंबर 2024 के बाद अगर आप अपना एडमिशन्स लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में, सो पढ़ाई के बाद आपको वर्क परमिट इश्यूज नहीं होने वाला है इमिग्रेशन के तरफ से. सो यही अपडेट है. सो उसमें क्या सीन है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसके रिगार्डिंग आपको यही कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं स्टडी के बाद. सो आप ध्यान रखें अपने एडमिशन के लिए कुछ प्राइवेट कॉलेज के बदले पब्लिक कॉलेज में ले, पब्लिक फंडिंग कॉलेज में ले. सो यही एक बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए. सो गाइस तीसरा अपडेट है जो प्रोविंस के रिगार्डिंग अपडेट्स हमें मिले हैं इमिग्रेशन के तरफ से. इसमें क्या सीन है कि कुछ प्रोविंस है, ब्रिटिश कोलंबिया है, कैलगरी है और ओंटारियो, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं अपने पढ़ाई करने के लिए. सो इमिग्रेशन ऑफिसर ने क्या किया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिमिटेड किया है ईच एंड एवरी प्रोविंस में. सो उसमें क्या रिगार्डिंग है कि अगर ब्रिटिश कोलंबिया स्टूडेंट्स लाने चाहते हैं तो उसको कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही लाने पड़ेंगे. लाइक ब्रिटिश कोलंबिया में अगले साल के लिए 3 लाख स्टूडेंट्स ही रिक्वायर्ड है, कैलगरी में 4 लाख स्टूडेंट्स ही आने चाहिए, ओंटारियो में 5 लाख स्टूडेंट्स ही आने चाहिए. तो उस रिगार्डिंग कनाडा इमिग्रेशन के जरिए कुछ हमें अपडेट्स मिले. यही क्यों अपडेट्स हमें मिले, क्योंकि इश्यूज रिगार्डिंग अकोमोडेशन एंड जॉब्स ईच एंड एवरी प्रोविंस में हमें दिखाई देते हुए. सो गाइस लास्ट अपडेट होने वाला जो स्पाउस के रिगार्डिंग हमने अपडेट्स मिले, उसमें क्या सीन है कि सितंबर 2024 के बाद अगर कोई बंदा अपना डिपेंडेंट लाना चाहता है शादी के बाद, सो उसमें थोड़े बहुत हमें रेस्ट्रिक्शंस मिलने वाले हैं. कुछ बड़े रेस्ट्रिक्शन नहीं है बट थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं. सो उसमें क्या सीन है कि अगर कोई बंदा सितंबर 2024 के बाद अपनी पढ़ाई कॉलेज में कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं है अपना डिपेंडेंट लाने के लिए. सो एलिजिबल्स के लिए
क्या सीन है कि एक जो बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, डॉक्टर प्रोग्राम कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, सो वही बंदे अपने डिपेंडेंट ला सकते हैं. सो यही सीन है जो स्पाउस के रिगार्डिंग हमें मिले. सो गाइस, दीज आर द ऑल द थिंग्स जो इमिग्रेशन ऑफिसर के तरफ से हमें मिले हैं. सो अगर आपको उसके रिगार्डिंग डिटेल में आपको जानना है, तो मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के तरफ से ये लेटर प्रोवाइड किया है. सो उसकी वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं. सो गाइस, यही सीन है. तो गाइस, अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन करके आए कैनेडा में, क्योंकि अभी वीजा के चांसेस 50-50% हो चुके हैं. बंदे को लाइक 10 out of 5 बंदे को स्टूडेंट्स वीजा मिलने वाले अगले साल, 2 साल के लिए. सो वही रेस्ट्रिक्शंस गाइस कॉलेज के एडमिशन के ऊपर भी होने वाले हैं, कॉलेज के क्राइटेरिया भी होने वाले, रिक्वायरमेंट भी होने वाले. तो गाइस, थोड़ी बहुत गाइस प्रिपरेशन करके आए अगर आप कैनेडा में आना चाहते हैं. और गाइस, रही सीन है. तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज. ऐसे गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और गाइस ऐसे सपोर्ट करते रहे. थैंक यू गाइस. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand.